दोस्तों मेरे पास आई हुई है सुजुकी एसएस ओल्ड मॉडल गाड़ी है, 125 सीसी है। अब ये गाड़ी के अंदर जैसे प्रॉब्लम क्या चीज़ हो रहा है, जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर सेटिंग करने जा रहा हूँ तो कार्बोरेटर परफेक्ट सेटिंग नहीं हो रहा है और गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहा है और इसमें गाड़ी का माइलेज नहीं मिल रहा है। ऐसे कभी भी आपके पास अगर गाड़ी आया कभी, तो बाई चांस जो मेरी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है वो हो सकता है आपकी भी गाड़ी में हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम बहुत कम आता है और क्या है चेक नहीं कर पाते। तो चेक करने का तरीका आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उसको इजी से चेक करना चाहिए तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहले तो मैं गाड़ी को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं ये देखिए गाड़ी किसके लिए छोड़ूंगा, बंद पड़ जाता है। अभी गाड़ी को मैंने क्या किया हूँ, इसकी लीटर पकड़ कर रखा हूँ, इंजन पूरा फुल फास्ट किया हूँ, देखिए पकड़ा हूँ मैं, और इंजन का जो साउंड होता है वो चेंज हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम दो चीज़ से होता है, एक तो गाड़ी का ओवर फुल जेट में कचरा, एक पेट्रोल को अगर डायरेक्ट पेट्रोल आता है इसमें तभी भी गाड़ी ऐसे प्रॉब्लम देता है। अब ये गाड़ी के अंदर खाली ये जो पेट्रोल कोक होता है इसमें भी पेट्रोल आ रहा है और इसमें भी पेट्रोल आ रहा है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ वहाँ पर। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट किया है, अभी वापस पाइप लगा दिया, अब ये पाइप निकाल के स्टार्ट करेंगे तो बंद पड़ जाएगा, तो इसमें कुछ लगाना पड़ता है। अभी देखिए इसका मुंह पकड़ के रखे हुए है अंदर का जो इसका है, अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये देखिए इंजन पास हो गया, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं गाड़ी के अंदर, तभी इंजन पास हो गया हुआ है। अभी इसके अंदर जो पाइप है वापस लगाएंगे तो इंजन सील हो जाएगा। अभी ऑटोमेटिक को इंजन सील हो गया, अभी बाद में गाड़ी बंद पड़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल इसमें से सप्लाई होके इसमें आता है। जब पेट्रोल इसमें जाएगा तो गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम, एरर प्रॉब्लम, गाड़ी का पिकअप प्रॉब्लम, गाड़ी बंद होना, सभी प्रॉब्लम देता है। ये ऊपर से है, कार्बोरेटर खोलने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए। जो तरीका मैंने बताया उसको, पाइप को निकालना चाहिए, पाइप को निकाल के इसको हाथ से दबा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करके इंजन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, देख लेना चाहिए। अगर इस एक पेट्रोल इसमें जाएगा तो आपकी गाड़ी में देखो क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम आएगा। अभी देखो पेट्रोल कितना आ चुका हुआ है, देखिए ये देखिए पूरा पेट्रोल आया हुआ है। देखो पेट्रोल आने की वजह से क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम होता आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो आपका गाड़ी का एवरेज कम हो जाएगा, गाड़ी का आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, आपकी गाड़ी जैसे पिकअप जैसे लेना चाहिए वो पिकअप नहीं आएगा, आप गाड़ी जो स्कूटर छोड़ोगे गाड़ी बंद पड़ जाएगी, आपका जो कार्बोरेटर का सेटिंग करने जाओगे यहाँ स्क्रू आता है या स्क्रू नीचे इधर लगा हुआ रहता है, अगर उसको सेटिंग करने जाओगे सेटिंग भी नहीं होगा, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होगा। जैसे फर्स्ट वापस रिपीट करा रहा हूँ, फर्स्ट एवरेज, सेकंड आपकी गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम, थर्ड आपका गाड़ी जो सेटिंग करने का तरीका है वो नहीं होगा, चौथा पिकअप में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ प्रॉब्लम देता है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल का घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा। इसका जो पेट्रोल कोक है जो होता है मैंने नया डाल चुका हूँ, ये जूना पेट्रोल कोक है, ये देखिए ये नया है, नया इसमें लगा चुका हूँ मैं। अभी इसमें जो पेट्रोल आता है पेट्रोल अभी से आना बंद हो गया हुआ है और गाड़ी देखो सीलों में बराबर रुका हुआ है। अभी इंजन को अगर मैं फास्ट करूँगा तो इंजन बराबर फास्ट, सीलों बराबर होता है, परफेक्ट सेटिंग होता है। तो अभी इसका जो प्रॉब्लम था जिसे सेटिंग करने की जो प्रॉब्लम मैंने बताया था वो पूरा परफेक्ट हो गया हुआ है। कभी भी आपके साथ में जैसे ये चीज़ ये चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। पेट्रोल कैसे होता है, पेट्रोल का बता दे रहा हूँ, ये पेट्रोल टाकी का है, यहाँ से हवा जब खींचे जाता है तो पेट्रोल यहाँ से थ्रू से आता है, इसे आने से बाद कार्बोरेटर में पेट्रोल जाता है। अगर इसमें भी पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल जाने के बाद क्या हो डायरेक्ट इंजन में जाता है, इसलिए गाड़ी बराबर सेटिंग नहीं होता और स्टार्टिंग प्रॉब्लम देता है, एवरेज का भी प्रॉब्लम देता है। पेट्रोल देखो ये पाइप यहाँ लगा हुआ है, देखिए
ये पाइप यहाँ लगा हुआ है, ये वाला जो है यहाँ लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एयर पाइप। ये खींचने वाला पाइप है और पेट्रोल वाला पाइप, ये देखिए ये वाला पाइप है, ये खींचते तो पेट्रोल इसमें आता है।